बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिशा ज़ेब फ्रॉम शमी मार्ट्स। हम मुस्लिम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं लेटेस्ट मास्टर कॉपीज़ की। इसके अलावा आपके और हमारे जितने लेटेस्ट ब्रांड्स होते हैं पाकिस्तान में, उसमें आपके नाम से भी स्टॉक को बना कर दिया जाता है और शमी मार्ट्स अपने नाम से ही बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि बिन सईद स्टाइल का होगा, बिन इलियास स्टाइल का होगा। उसकी वजह यह है कि उसमें मिनिमल डिज़ाइंस होते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं, तो इंशाल्लाह वो एक अच्छी चीज़ आपको रहेगी। आपसे एक छोटी सी जो है वो बात, जो पिछले वॉल्यूम के हवाले से जो आपसे डिस्कस करनी थी। पिछला वॉल्यूम हमने सिलाया था जो है रंगे नौ का था। आपने हमारा जो है नूर का वॉल्यूम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ गया है हमें उसकी कॉल्स दोबारा आई हैं कि आप जो है वो दोबारा से दें, पहली बात। दूसरी बात यह, रंगे नौ का वॉल्यूम भी सारा एयरजेट का फैब्रिक था। जिस कस्टमर को भी रिसीव हुआ है उसने चेक किया होगा। हुआ थोड़ा सा ये था, हमने वीडियो के अंदर बताया था कि ये सारी स्विस लॉन है जो मार्केट में 100% ओरिजिनल स्विस लॉन कह के बेचते हैं, ठीक है। ओरिजिनल स्विस लॉन का सूट अगर मार्केट में ओरिजिनल स्विस लॉन का लेने जाएं तो कम से कम रिटेल रेट उसका 3000 प्लस है, होलसेल में तकरीबन 2500 रुपये से वो स्टार्ट होता है। तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है तकरीबन 2-3 साल पहले, वो सिविक लॉन थी, ठीक है। तो स्विक और स्विस को आपने जो है कह लें कि कैटेगरिकली अगर आप देखें तो मार्केट के हवाले से वो सेम है, लेकिन अगर आप शमी मार्ट से लेंगे तो हम आपको दोनों चीज़ें, दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग करके बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको दी भी हैं। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो है जो कह लें नई हो या पुरानी हो, जो भी वॉल्यूम होता है शमी मार्ट्स एक एक चीज़ आपको बता कर देता है। सूट की कटिंग कितनी होगी, एम्ब्रॉयडरी कैसी होगी, हर चीज़ आपको बताते हैं कि इस कैटेगरी का स्टॉक है, क्या रेट्स उसके मार्केट के निकलने चाहिए, आज की कंडीशंस क्या है मार्केट, हर चीज़ आपको बताई जाती है। तो स्विक लॉन के हमने उसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माल बेचा, तकरीबन उसके कह लें कि 2 से 2.5% जो है हमें उसकी, हमारी जो वैसे वापसी की जो शरह होती है, कह लें कि किसी क्लाइंट को गया है अल्हम्दुलिल्लाह समटाइम्स तो वो 100% होती है, समटाइम्स 0.5% 1% होती है। उसमें मुराद ये है कि अगर हमने, लेट्स सपोज कि अगर हमने 100 सेट बेचा है तो उसमें किसी ने 1 सेट 2 सेट वापस कर दिए। आम तौर पर वैसे जो है सेलिटेक्स का वॉल्यूम गया, कॉकटेल का गया, इसके अलावा नूर का गया, हमें एक भी वॉल्यूम वापस नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंडीशंस होती हैं हमारी। लेकिन किसी सेट में 1-2 पार्सल वापस आ जाते हैं कि हमें पसंद नहीं आया, सुन्नत तरीका कार है तो आप वापस करके फुल अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन जो स्विस लॉन था, स्विक लॉन थी, उसमें जो है हमें आज की डेट की अगर हम बात करें, क्योंकि कस्टमर को जो है कल से रिसीव होना शुरू हुआ है, तो हमें 3 कॉल्स ऐसी रिसीव हुई कि जिसमें जो है स्विक लॉन वो वापस करना चाह रहे थे। उसमें इशू क्या आया, जो पुराने काम करने वाले हैं स्विक लॉन के या स्विस लॉन के, उन्हें तो कोई मसला नहीं है, वो बेचते हैं माल, उन्हें पता है कि ये क्या चीज़ें। जो नए काम करने वाले हैं या जिन्होंने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिए थे, उन्हें उसके प्रिंट तो बहुत पसंद आए, ठीक है, हर चीज़ ठीक थी, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा खुरदरा था। हमने आपको देने से पहले बताया था कि जो स्विक लॉन होती है स्विस की फील देती है, स्विस आप ब्रांड की ले लें या आप मार्केट से कोई सस्ती ले लें, खुरदरी होगी, ठीक है। ये रेगुलर यूज़ में ये कपड़ा यूज़ेबल नहीं होता, ये हल्का सा रेशमी टच के साथ होता है और कह लें कि इसका फाल थोड़ा सा रेगुलर लॉन से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कह लें कि सेमी फॉर्मल कंडीशंस में आ जाता है, सेमी फॉर्मल जो ड्रेसेस होते हैं उनके अंदर आ जाता है, कहीं आने जाने के लिए आप रेगुलर तौर पर जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। जिन क्लाइंट को जो हमारे साथ पिछले 3 साल से अटैच्ड हैं, 2.5 साल से अटैच्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें तो ये चीज़ें पता हैं, और जो पहनने वाले तो नहीं कह लें कि जो रेगुलर इसे यूज़ करने वाले या जो रेगुलर जो है इसे दुकानदार हजरात या रिसेलर से सेल करने वाले हैं, उन्हें पता है कि ये चीज़ यही है। बहरहाल जिन कस्टमर्स की हमें 3 कॉल्स रिसीव हुई थी, तीनों को जो है यही कहा गया कि अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई आप वापस भेज दें, हम एक दफ़ा नहीं, हम 100 दफ़ा लेने को तैयार हैं, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो है सुन्नत के मुताबिक नहीं है। सुन्नत दूसरी बात, ये जो मेजर क्वेश्चन जो है उठाया जाता है वो ये होता है कि सुन्नत जो है वापसी तब्दीली में सुन्नत या कितने दिन में सुन्नत जो है ख़रीदा हुआ माल या बेचा हुआ माल जो है वो वापस करने में है। 3 दिन 7 दिन 1 महीना 1 साल वो सुन्नत के ज़िम्मे में नहीं है। जो बेचा हुआ माल है आप उसे, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ठीक है, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, उसमें यह है कि आप जो बेचा हुआ माल है वो वापस रख लें, जो ख़रीदा हुआ माल है, हमने, आप हमारे ऑफिस में अगर आप विज़िट करेंगे तो हमने बाकायदा लिख कर लगाया हुआ है कि आप हमें 3 दिन के अंदर जो है, या आप जब हमसे खुद आके बाय हैंड लेते हैं तो जब हम आपको बिल काट कर देंगे तो हमारे बिल के ऊपर भी हर चीज़ जो है मैंशनड होती है। बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो नेगेटिविटी जो है वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमें पता नहीं बेचने के लिए। देखें, आप हमारा पहला वॉल्यूम ले लें, आप आज हमारा अगर 300वां वॉल्यूम भी लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शमी मार्ट, हमारी यही कोशिश है, हमें बाकियों का नहीं पता, हमारी ये कोशिश है कि आप कोई भी चीज़ लें हम उसकी एक एक चीज़ आपको बताएं,
ठीक है, वजह यह होती है कि कस्टमर फिजिकली यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि उसे उसके जहन में हर चीज़ बता दी जाए, उसके जहन में इवन कि हम ट्राउज़र को जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्राउज़र होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे ऐसी ऐसी लोन कह के दे सकते हैं, ठीक है, मार्केट में चलता भी इसी तरह से है, लेकिन हमारा ये चीज़ें नहीं है, हमने जो है हलाल रिस्क की तरफ भी जो है वो कह लें कि आपको भी रागिब करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर हमें तौफीक दी हुई है तो हम उस चीज़ को भी लेकर चलें। बात करने का आपको मकसद ये है कि ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट नहीं है वापसी तब्दीली का, ठीक है, पसंद नहीं आ रहा कोई मसले वाली बात नहीं है, हम आपको जो है कह लें कि हमारे आप माथे के ऊपर जो है अगर 3 दिन के टाइम के अंदर, अगर जो हमने आपको टाइम स्पेंड दिया कि अगर आज आपको रिसीव हुआ है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों शाम तक का टाइम है, आप अगर हमें वापस करते हैं, आप हमसे, हाँ हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आप वापसी करने की जो है इसमें क्या वजह है, आप हमें बता दें कि जी हमसे सेल नहीं हुआ, हमें कह लें कि चीज़ जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं है, हमें डिज़ाइनिंग नहीं पसंद आई, शमीम आर्ट्स ने जो कमिटमेंट की थी क्वालिटी की वो नहीं है, आप कोई रीज़न दें हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन 3 दिन से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे 3 दिन के बाद हम जो है वापसी तब्दीली नहीं रखेंगे, जो सीधी और साफ बात है, हम कोई भी ऐसी जो है शक व शुबे वाली बात नहीं करेंगे कि आप पहले आप हमसे माल ले लें उसके बाद जो है ना हम मुकर जाएं, ये तरीकाकार हमारे काम का नहीं है। उसके बाद ये हो गया एक पोर्शन, जो अगला पोर्शन है वो ये है कि आप 3 दिन के बाद, अब फॉर एग्जांपल आपका 2 सूट सेल हो गए, 3 सूट सेल हो गए, 4 सूट सेल हो गए, 6 का वॉल्यूम था, 2 सूट उसमें बच गए तीसरे दिन, अब अगर वो 2 सूट आप 15 दिन बाद भी बेच रहे हैं तो 15 दिन बाद भी शमीम आर्ट्स जो है आपको क्लेम हर सूरत में देगा। आपने कटिंग और सिलाई से पहले जब आपने कंज्यूमर को देना है, फाइनल अपने कंज्यूमर को देना है कि जिसने सूट को इस्तेमाल करना है, आपने उसे ये बता कर देना है कि भाई कटिंग और सिलाई से पहले आप इसे 10 दफ़ा धो लें, हालांकि खुद धोले का क्लेम भी कोई नहीं देता, ठीक है, वो 100 किस्म के बहाने करते हैं, आप 10 दफ़ा उस सूट को धो लें, ठीक है, जहाँ कटिंग और सिलाई हुई वहाँ पर क्लेम जो है आपका क्लियर है, ठीक है, वहाँ पर आपका ख़त्म है, आपने जो कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि फ्रंट बैक और बाजू अलग अलग कार्ड के श्रिंक करें, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, आप शर्ट दुपट्टा और ट्राउज़र अलग अलग श्रिंक करें, बस ये हमारी जो है छोटी सी एक वो है, एक छोटी सी शर्त है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप 15 दिन बाद बेचें, 16वें दिन कस्टमर आ जाता है जी कि मैंने 1 दफ़ा श्रिंक किया, 2 दफ़ा श्रिंक किया, जो हल्का सा जो कलर ब्लीडिंग होता है वो आप अगर 20,000 वाला सूट भी ले लेंगे उसके ऊपर भी होगा, उसे क्लेंडर जब किया जाता है, स्टीम लगाई जाती है, तो उसके ऊपर हल्का सा जो है पाउडर टाइप जो है उसमें आ जाता है, वो लाजमी उतरना होता है, लेकिन अगर कलर आपको लगे कि चेंज हो गया है, कलर ज़्यादा ब्लीड हो गया है एक दूसरे के ऊपर, शर्ट में जो है बेहंगम सा हो गया, दुपट्टे में इधर उधर जो है वो कह लें कि थोड़ा कह लें कि ब्लर सा हो गया, अगर इस टाइप का कोई भी कंडीशन आती है तो हम 1 दफ़ा नहीं, हम 10 दफ़ा आपसे वापस लेने के जो है वो पाबंद हैं, और हम लेते भी हैं, सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात नहीं है, डेली यहाँ पर पार्सल आते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला मुल्तान में जो है कह लें कि आप सिर्फ चुंगी नंबर 14 मुल्तान शमीम आर्ट्स लिख कर भेज देंगे, जितने पोस्ट ऑफिस वाले कुरियर वाले हैं वो हमारे जो है ऑफिस तक जो है वो देख कर जाते हैं, वजह क्या है कि उनका डेली का काम है, तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन करने की आपको बात यह है कि दोबारा जो है पॉइंट से थोड़ा सा हट गए हम कि जो सिविक लोन का जो वॉल्यूम था उसमें अगर हालांकि देखा जाए तो 3 सेट्स की वापसी या कह लें कि 2 सेट्स की वापसी कोई माने नहीं रखती, लेकिन लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जितने भी क्लाइंट्स ने लिया हुआ है, तसल्ली किसी भी वॉल्यूम की ना हो, शमीम आर्ट्स 10 दफ़ा आपसे जो है वो वापस लेने का पाबंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लेते आए हैं, वो 100% सिविक लोन है, ठीक है, जो क्लाइंट्स, ये उनके लिए है जिन्होंने पहली दफ़ा सिविक लोन जो है वो चेक की, 100% सिविक लोन थी, खुरदरी होती है उस, वो आने जाने के लिए कहीं होती है, रेगुलर यूज़ नहीं होती, फैंसी कपड़े के अंदर आता है, स्विस ही कहकर बिकती है मार्केट में, ठीक है, ये दोबारा से आपको क्लैरिफिकेशन दे दी। आज जो वॉल्यूम है गाजी का होगा जेंट्स का, वॉशिंग वेयर का, 7 पीसेस का, इसमें आपको जो है 2 डार्क शेड्स होंगी, 4 इसमें जो है आपको लाइटर शेड्स मिलेंगी, स्पेसिफिकली जो है गर्मियों की है, आप बहुत प्रीमियम इसे नहीं कह सकते लेकिन अच्छा फैब्रिक है, एयर जेट का, बड़े बर का, बहुत अच्छा फैब्रिक है, इंशाल्लाह क्वालिटी आपको पसंद आएगी, लेकिन आप इसे 8,000 वाले सूट से कंपेयर नहीं कर सकते, जो मार्केट में जो रेगुलर एक अच्छा कह लें कि अटायर के अंदर आती है चीज़, वो वाला इंशाल्लाह फैब्रिक है, आपको पसंद आएगा, बड़े बर के ऊपर है, 4 मीटर कटिंग है, रेट बहुत मुनासिब है, वीडियो क्लास में आपको रेट्स दिए गए, इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। अब कलेक्शन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो वॉल्यूम आपको देने जा रहे हैं गाजी का होगा, इसमें 2 चीज़ें जो है आपको देखने वाली हैं कि एक तो ये 7 पीसेस का छोटा वॉल्यूम रखा गया है, वॉशिंग वेयर है, एयरजेट बड़ा है, बड़े फैब्रिक के ऊपर है, पैकिंग वगैरह जो ब्रांड लेवल की होती है वही आपको मिलेगी,
ठीक है, टैग्स वगैरह और अंदर जो है मैचिंग बटन वगैरह जो हमारा गाजी का स्टाइल है वो इंशाल्लाह आपको पूरा मिलेगा। फर्स्ट कलर इसमें जो है आपको दिखाने जा रहे हैं ये वाइट होगा, कोरा सफ़ेद नहीं है ये, क्या आप इसे मिल्की वाइट जो है टच कह सकते हैं। ठीक है, ये मिल्की वाइट सा जो है आपको लगेगा, गर्मियों की वॉश एंड वेयर है, एयर जेट है। तकरीबन तकरीबन इसकी जो चौड़ाई की आप बात कर लें 53, 54, 55 इंच का जो है जो इसका वाया जो विथ होगी इतनी इसमें जो है वो मिलेगी। अब आपको खोल कर दिखाते हैं, अब आपको इसमें जो है कलेक्शन खोल कर दिखाई जाएगी। स्टैम्प शुदा जो है इसमें बैग होगा प्रॉपर मिल्की, इसके साथ जो है ये इसमें बटन वगैरह जो है मैचिंग वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा टैग इसके ऊपर लगा हुआ है, रिटेल प्राइस लिखी हुई है, आप इसके ऊपर जो है 500-700 डिस्काउंट करके बेचें आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलने वाला है। और ये कन्फर्म 2000 से ऊपर के जो है ये सूट्स हैं, जब आपको ये रिसीव होगा इंशाल्लाह तो आप चेक कर लीजिएगा क्वालिटी। ठीक है, फॉल चेक करें। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको ये दिखा दूं, इसमें स्टैम्प्स वगैरह जो है वो आपको सारे माल के ऊपर जो है जो भी आप वॉल्यूम लेंगे इंशाल्लाह जो भी इसमें कलर खोलेंगे ये सारे के ऊपर जो है आपको स्टैम्प्स वगैरह जो है इस तरह से मिल जाएंगी। एयर जेट फैब्रिक होगा, ठीक है, और ये बड़े बर के ऊपर है, बड़े अर्स के ऊपर है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 52 से लेके 55-56 इंच इसका जो है जो तैयार होता है डाइंग, इसकी कह लें कि इस वक्त जो आप डाइंग की बात कर लें अहमद जमाल इस टाइम जो है वो कह लें कि वो जैसे जामी है या दाऊ टेक्सटाइल है उनका जिस तरह से नाम है इस तरह से अहमद जमाल का नाम है। तो इसके ऊपर जो डाइंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महंगी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी लेवल की जो है इसके ऊपर डाइंग की गई है कि आप इसे धोते हुए चेक कर लें, अगर इसमें कोई भी किस्म किस्म का मसला आता है तो आप जो है हमसे इसका जो है क्लेम ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ डाई डाई की कॉस्ट निकाल लें तो पिछला जो सीज़न का जो रेट था उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन यह है 250 रुपये जो है ये महंगा होगा। ठीक है, फैब्रिक और डाइंग अगर आप निकालें तो पिछले सीज़न से जो है जो पिछला हमने लॉन का सीज़न निकाला है उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है तकरीबन इसकी जो कॉस्टिंग है तकरीबन 250-250 जो है इतनी कंफर्म ऊपर निकलनी है। ठीक है, लेकिन मकसद आपको बताने का ये है कि मार्केट की कंडीशन आज के हवाले से जो है वो ये है, इंशाल्लाह जो शमी मार्ट जो रेट देगा वो हमारी गारंटी है कि इंशाल्लाह ये लोएस्ट होंगे इंशाल्लाह इस क्वालिटी के। 4 मीटर की कटिंग है बड़े बर के ऊपर, इसमें आप बहुत आसानी से ट्रिपल एक्सल तक साइज़ जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कह लें कि फरबा कह लें कि कोई हमारे भाई हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनको जो है ये इशू कर सकता है, एक अच्छा जो सेहतमंद आदमी है उसके लिए बहुत आसानी से जो है बनता है। मार्केट में 4.25 मीटर की कटिंग भी चलती है, ये 4 मीटर है वही हम आपको कह कर दे रहे हैं। इसमें जो बटन्स होंगे मैचिंग होंगे सारी, ठीक है, इसमें हर बटन जो है आपको मैचिंग वाला मिलेगा, आपको मार्केट से जो है ये फैंसी बटन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर मेटल के बटन्स हैं और ये मैच शुदा इसमें करके दिए गए। 8 बटन्स हैं प्रॉपर, जिसमें दो स्लीव्स के लिए होंगे, 4 जो है वो आपको बैन के लिए या आपसे गले पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बटन्स भी कम नहीं है इसमें। सेकेंड की तरफ चलते हैं, कलर आपके सामने फैब्रिक एक होगा, ठीक है, लेकिन इसमें जो कलर स्कीमिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चेंज है। ठीक है, कलर चेक करें, बहुत डिसेंट शेड्स हैं, जो कह लें कि जो जेंट्स के अंदर जो है वो कह लें कि थोड़ी कम्प्लेक्शन जो होती हैं वो थोड़ी सी डल होती हैं उनके ऊपर ये कलर बहुत सूट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वॉश एंड वेयर का टैग, गाजी का टैग, प्राइस टैग्स वगैरह हर चीज़, पैकिंग वगैरह प्रॉपर आपको मिलेगी, बटन वगैरह जो हैं वो इसमें आपको मैचिंग के मिलेंगे। खोल कर ये भी चेक कर लें, सदाबहार कलर्स हैं सारे, जेंट्स की जो है शेड्स वही आती हैं, लेकिन जो अच्छी प्रोसेसिंग मिल्स है सिर्फ उनसे जो है इनकी शेड जो है वो तैयार करवाई गई है, क्योंकि एक तो वो ओरिजिनल जो है वो ब्रांड वाली शेड नहीं आती अगर आप लोकल से करवा लें, दूसरा जो है उसमें कलर ब्रीडिंग का मसला बहुत आता है, तो इसलिए जो है इसमें शेड्स वगैरह का जो है वो खास इसमें जो है वो ख्याल रखा गया। प्राइसेस का हमने आपको बता दिया, ये स्टैम्प्स वगैरह जो है आपको सारे स्टॉक के ऊपर जो है हर शूटिंग के ऊपर आपको मिल जाएगी। अब इसके बटन्स दिखा देते हैं आपको, तो हर कलर के जो है वो कह लें कि मैचिंग बटन इसमें जो है मेटल के वो आपको दिए गए। ठीक है, प्रॉपर जो है वो इंशाल्लाह एक प्रॉपर जो है खूबसूरत जो पहनने वाला सूट होता है इंशाल्लाह ये वो बनेगा। अगले की तरफ चलते हैं, इसमें कलर जो है वो लाइटिंग कंडीशंस की वजह से आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, आप इसे हल्का सा बिल्कुल पिस्ता शेड कह सकते हैं, जो पिस्टेशियो ग्रीन होती है शेड हल्की सी वो शेड देगा ये आपको, बहुत डिसेंट शेड है इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगले की तरफ चलते हैं, थर्ड की तरफ चलते हैं अब, ठीक है, ये जेट ब्लैक कलर आ जाएगा ये आपके सामने, ब्लैक जो है कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता ये आपके सामने, गाजी की स्टैम्प्स वगैरह जो है इसमें आपको मिल जाएंगी, कटिंग वगैरह पूरी है,
इसमें जेंट्स में बाकी जो है आपको रिटेल हमने उसमें पहले दो सूट्स के अंदर जो है मैंने आपको बता दी है। बटन्स आप इसके चेक कर लें, वो हर सूट के डिफरेंट हैं, ठीक है, एक ही डिज़ाइन नहीं है, हर सूट के जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट बटन जो है वो आपको मेटल केस में जो है मिल जाएंगे। अगले की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब ये शेड भी बहुत डिसेंट है, हल्का सा आपको ग्रे का टच देगी, बिल्कुल लाइट सा जो ग्रीन होता है और ज़्यादा सा ग्रे, जब आप दोनों को मिक्सचर करेंगे तो ये शेड निकलेगी, बहुत खूबसूरत सी और डिसेंट सी शेड है, ठीक है। गाजी की स्टैम्प वगैरह, रेट वगैरह, रिटेल प्राइसेस इस पर मैंशन है। आप जो है कह लें कि कस्टमर को या अपनी शॉप पे रख के घर में अगर आप सेल करते हैं तो तब भी जो है आप इसमें कह लें कि डिस्काउंट करके भी बेचेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा मार्जिन जो है वो मिलेगा इस पर, ठीक है। ये आपके सामने, ये भी मेटल के बटन, जिसमें सारे जो है मैचिंग आपको करके इसमें सारे स्टॉक के ऊपर जो है वो आपको जो है इस तरह से प्रॉपर मिलेगा। अगले की तरफ नेक्स्ट जो शेड है ये लाइट सी जो है आप कह लें कि जो लाइट चॉकलेट ब्राउन शेड होती है, बिल्कुल लाइट सी ये वो शेड है। लाइटिंग कंडीशंस की वजह से आपको ज़्यादा लाइट नज़र आ रही होगी, बिल्कुल हल्की सी जो है वो कह लें कि लाइट ब्राउन सी जो शेड होती है ये वो इसमें जो है वो आपको दी जा रही है। वॉशिंग वेयर का टैग, गाजी का टैग वगैरह, रिटेल प्राइसेस जो है इसमें मेंशन है, बारकोड वगैरह हमारा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। गाजी की स्टैम्प वगैरह आपको सारे स्टॉक के ऊपर जो है इस तरह से मिल जाएगी। कटिंग आपको फिर बता दें 4 मीटर है, तैयारी जो है एक बहुत महंगे घर से करवाई गई है। इसकी जो डाइंग, जो इसकी जो डाइंग होती है वो रेगुलर लॉन वाली डाइंग नहीं होती, उसकी और इसकी डाइंग में जो है फ़र्क होता है। इसकी आलमोस्ट जो डाइंग जो इस टाइम चल रही है वो पर मीटर आलमोस्ट जो है तकरीबन 110 से लेके 130 135 रुपये चल रही है। पिछले सीज़न में यही रेट जो है वो इससे काफ़ी जो है वो कम था। इसके अलावा जो ग्रे फैब्रिक है उसका आपको पता ही है कि इस सीज़न में जो है वो कह लें कि इवन के जो पावर लूम्स जिन पे कपड़ा बन रहा है उनकी भी ये कंडीशंस हैं कि मेजर जो लूम्स हैं, ठीक है, वो भी बंद हो रही हैं। तो अभी तो कोई जो है उसमें कंडीशन नहीं है कि मार्केट की जो है वो क्या कंडीशन उसमें जो है वो बनने वाली है कि किस किस्म का जो है वो आगे जो है वो चलेगा, इसलिए आगे जो है इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बताने का आपको मकसद ये है कि इंशाल्लाह उस टाइम भी जो हाजिर रेट जो चल रहा होगा इंशाल्लाह उससे बेहतर ही रेट मिलेगा। अगले की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। नेवी ब्लू कलर आपके सामने, ठीक है जी। वॉशिंग वेयर के टैग्स आपके सामने, नेवी ब्लू बहुत खूबसूरत, ये भी डार्क शेड है और ये भी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, लगातार जो है चलने वाली है। ये स्टैम्प्स वगैरह आपको जो है इसके ऊपर भी जो है वो मिल जाएंगी, इसके साथ भी मैचिंग मेटल्स के बटन। शर्ट पर आप जो है स्लीव्स वगैरह पे लगा सकते हैं, ये लें जी, ठीक है। प्रॉपर जो है वो मेटल के बटन्स आपको मैचिंग करके जो है वो इसमें दिए गए। लास्ट है जो कि बोस की शेड है, उसके बाद आपको रेट्स की तरफ लेकर लास्ट शेड जो कि बोस की शेड है, ठीक है। ये भी सदाबहार शेड है, चेंज नहीं होती, ठीक है। एयरजेट फैब्रिक दोबारा देख लें, प्रॉपर एयरजेट फैब्रिक है, शटललेस मशीनों कह लें, एयरजेट कह लें, इंशाल्लाह लेवल जो है आपको फैब्रिक का आपको जो है जो पार्सल सीव होगा इंशाल्लाह पसंद आएगा। गाजी की स्टैम्प्स वगैरह इसमें बिल्कुल हल्की सी जो कह लें कि पिलाहट वाली शेड होती है वही है इसमें सारी। उसके साथ जो है मैचिंग बटन्स आपके सामने, ठीक है, आपके सामने मैचिंग बटन्स वगैरह जो है वो इसमें आपको सारे स्टॉक के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। अब प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं कि प्राइसेस क्या दी जाएंगी, प्राइसेस के हवाले से बात कर लें कि प्राइसेस जो है इसमें क्या रखी जाएंगी। रेट बहुत इकोनॉमिकल है, इस लेवल का स्टॉक अगर आप जो है अभी हाजिर लें तो कन्फर्म 1350 से प्लस है, हमें भी जो है ये चीज़ कन्फर्म है। लेकिन हमने आपको पहली चीज़ें जो है बताई हुई हैं कि जब तक हमारा जो ग्रे फैब्रिक होता है ये ख़त्म नहीं हो जाता उस तब तक जो है हम रेट बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। लॉन दुपट्टे के, शिफॉन दुपट्टे के रेट हमने थोड़े थोड़े इंक्रीज़ किए भी हैं, उसकी वजह यह है कि जो मार्केट की कंडीशंस हैं उसके मुताबिक जैसे जैसे जो है वो कह लें कि 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जिस तरह से वो रेट बढ़ता जाएगा उतना जो डिफरेंस होगा वो आपके ऊपर आएगा। जो हमने अपना एक बहुत इकोनॉमिकल सा बहुत मुनासिब सा मार्जिन रखा हुआ है सिर्फ वही आपसे जो है इंशाल्लाह चार्ज किया जाता है, चाहे वो कह लें कि 1500-2000 रुपये वाला सूट भी हो तब भी उसके जो है वही जो है उसमें प्रॉपर मार्जिन है वही लेते हैं हम। रेट रखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1240, गारंटी है इंशाल्लाह इस रेट की भी। 1240 मल्टीप्लाई बाय 7 पीसेस का वॉल्यूम 8680 रुपये, और 7 सूटों के ऊपर जो डिलीवरी कॉस्ट आपको चार्ज की जा रही है वो 350 रुपये लगेगी। वॉशिंग वेयर का, हालांकि जेंट्स का जो स्टॉक होता है इसकी कह लें कि जो वेट होता है, वज़न होता है इसका ज़रा ज़्यादा होता है लॉन के नस्बत, ठीक है।
तो लेकिन फिर भी जो है कह लें कि वो जो बेहतर से बेहतरीन जो डिलीवरी कॉस्ट और जो है इंशाल्लाह रेट से वही आपको ऑफर किए गए, 9,030 रुपये पार्सल आपके डोर स्टेप तक डिलीवर हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी में। ऑर्डरिंग के लिए वेबसाइट और नंबर आपके पास मौजूद, दिन 12 से 8 बजे तक आप कॉल करके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट 24/7 आपके लिए जो है अवेलेबल है। बेहतर ये होता है कि मैक्सिमम कोशिश किया करें कि कॉल पर ऑर्डर बुक करवाएं, बाकी व्हाट्सएप पे भी जो है वो कह लें कि वन बाय वन हम रिप्लाई कर रहे होते हैं, ऑर्डर भी ले रहे होते हैं, लेकिन अगर कॉल के दौरान स्टॉक खत्म हो जाए तो प्लीज़ उस चीज़ का माइंड मत किया करें। थैंक यू सो मच, दिस शाज़े फ्रॉम शमी मार्ट्स, स्टे होम स्टे सेफ, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।